अक्षय कुमार के वहां पर बहुत बड़े फैन मौजूद है, एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, चीखे अक्षय सुन रहे हैं यहां पर, और जोर से धवल 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 सर जवाब दे दीजिए। सर मैं बाद में जवाब दूंगा। बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सब लोगों को आने के लिए, थैंक यू टू द होल टीम, थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू प्रभुदेवा, थैंक यू एमी, थैंक यू अश्विनी टू हैविंग एन एसोसिएशन विद अस, थैंक यू। प्लीज कम ऑन द स्टेज डायरेक्टर प्रभुदेवा, 16 तालियां एंड आपके हमारे रफ्तार सिंह अक्षय कुमार। रूप की रानी चोरों के राजा में इन्होंने गाना किया था आज से 25 साल पहले, उस जब तक ये सिर्फ प्रभु थे, वांटेड के बाद ये प्रभु देवा हो गए। और धवल साहब हमारे जयंती भाई के सुपुत्र, जब ये पिक्चर प्लान हो रही थी मेरे पास ये जयंती भाई और धवल साहब आए थे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, मैंने कहा इट्स अ विनिंग प्रोजेक्ट, अक्षय एंड प्रभु इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता धवल के लिए। धवल ने शुरुआत तो वांटेड में की है, अब इस फिल्म से लगता है मेरे से आगे बढ़ जाएगा वो। और मैं दुआ करता हूँ, विश करता हूँ पूरी टीम को, अक्षय को, प्रभु को, अक्षय के साथ भी मैंने काम किया है, इससे ज़्यादा प्रोफेशनल, इससे ज़्यादा सिंसियर, इससे ज़्यादा टैलेंटेड बहुत कम आर्टिस्ट है, और आज अबव ऑल मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मनी जी। अक्षय साहब शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ हाँ भाई बैठने वाले बैठे, सर फोटो हो गया सर, अब आराम से बैठ जाइए। अक्षय साहब मतलब एक बार फिर से रफ्तार सिंह पूरे जोश में आया, ट्रैक्टर खुद चला के आ रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर कितना चलाया आपने, इतने अच्छे से चला के आए हैं। हाँ जी एक्चुअली पहली बार मैंने ट्रैक्टर चलाया, ये पहली बार था। हाँ वो ट्रैक्टर वाला देने से मना कर रहा था, फिर मैंने उसको समझाया भाई मैं चला लूंगा फिक्र नहीं कर, तो उसको समझाया फिर थोड़ा घूस खिल दिया उसको और फिर मान गया। अच्छा ये गेटअप बहुत कमाल का लग रहा है, और आपने थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बेबी जैसी फिल्में की आपने, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में की, लेकिन फैमिली फिल्म बहुत दिन से वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे आप लोग, क्या बोलना चाहेंगे जी? बिल्कुल ये मुझे खुद 2 साल हो गए हैं, बेबी हो चाहे हॉलिडे हो, स्पेशल 26, ये सारी फिल्में जो एकदम मतलब जिसमें हंसी मजाक बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म थी मैं इसका इंतजार कर रहा था कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूँ, 2 साल बाद ये ऐसी फिल्म लेके आया हूँ जो फिल्म मुझे आपके बहुत करीब लेके आई है, ऐसा एंटरटेनमेंट, ऐसी कमर्शियल फिल्म, चाहे हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री का जो नॉर्म है जो कहते हैं मसालेदार फिल्म, तो ये वही है, वैसी फिल्म है। इस अवतार में आपने मुझे कई बार कई और फिल्मों में भी देखा है, चाहे वो नमस्ते लंदन हो, चाहे वो सिंग इज किंग हो, लेकिन ये सिंग इज किंग की सीक्वल नहीं है, ये एब्सोल्युटली उससे अलग है, सिंग इज ब्लिंग, इसके अंदर मेरे किरदार का नाम है रफ्तार सिंह, एंड बहुत ही फनी कहानी है, बहुत ही मैं इमोशनल तो नहीं कहूँगा, इमोशंस थोड़े बहुत हैं, लेकिन एक जैसे कि आप जानते हैं मैंने और प्रभु देवा साहब ने रावड़ी रौथौड़ की थी, बस उसी जॉनर पे ये फिल्म है। आई होप पीपल यू गाइज एंजॉय इट, हाउ मच आई हैव एंजॉयड वर्किंग इट, थैंक यू। क्या बात है प्रभु सर, प्लीज इधर आइए सर, सर सर आइए इधर आइए सर, क्या बात है, एक बार जोर ताली दीजिए प्रभु सर के लिए। प्रभु सर ये फिल्म रावड़ी राठौर के बाद मतलब फिर से वही तहलका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग, एंड आफ्टर रावड़ी राठौर वी आर जॉइनिंग, एंड 200% हैप्पीनेस इज देयर एंड 500% टेंशन इज देयर। नहीं टेंशन तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रोमो कमाल का है, गाने रेडियो में प्ले करना शुरू कर चुके हम लोग। अरे नवजोत, नवजोत की जो स्वीटी है, नवजोत सिंह, नवजोत बताया ना आपने, नवजोत की बेटी से स्वीटी से शादी कर ले, तो इस समय सुन रही है बाहर, उसको क्या बोलना चाहेंगे स्वीटी, और ऊपर बैठी हुई है स्वीटी, स्वीटी बैठी हुई है ना, क्या बोलना चाहेंगे? अरे स्वीटी ऊपर बैठी हुई है, जो आपके प्रोमो में ट्रेलर में था ना वो, चलिए आई है यहाँ पे, वो तो दिल्ली में रहती है, वो कहाँ से आ गई? अरे आपको देखने के लिए आई है। अच्छा गप मार रहे हो, अच्छा ठीक है, स्वीटी जी क्या हाल है आपका? ठीक है सर, यहाँ पे लव यू भी बोला था उसने सर, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी वो जो जो लड़कों ने लव यू बोला, नहीं नहीं लड़की, वो हमारे इंडिया में बैंड है, वो लव यू बैंड है। खैर फिर भी आई लव यू गाइस, आई लव यू ऑल। अक्षय भाई बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, आप एक मात्र ऐसे कलाकार हैं जो सब जोन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, फिर चाहे वो फैमिली फिल्म हो,
क्या मतलब स्क्रिप्ट देखते हो, क्या ऐसी बात लगी आपको जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप? मुझे इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ये खूबी लगी कि ये फिल्म अलग अलग जगहों पे जाती है, अलग अलग मोड़ पे मुड़ती है। इसके अंदर वो सारे चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये एक ही जगह पे नहीं घूमती, सिर्फ जैसे थ्रिलर नहीं है, इसके अंदर थ्रिल भी है, इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ भी हैं। इसके अंदर वैल्यू दिखाते हैं कि मैं हमेशा अपने पिता से बहुत डरता हूँ, जब भी पिता से बात करता हूँ तो बैठ जाता हूँ चुप करके और उनकी आवाज़ सुनता हूँ, वो जो कहते हैं उनका आराम से मैं बात सुन के और उस बात को अमल करता हूँ। और ये हमारी सभ्यता में है कि हम अपने पिता की हर आज्ञा माने। मेरे अंदर सिर्फ इस फिल्म के अंदर ये एक प्रॉब्लम दिखाई है कि मेरा फोकस नहीं है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस की प्रॉब्लम होती है कि हम एक चीज पे लग जाएं तो वो काम पूरा नहीं करते। 70% लोगों की यही प्रॉब्लम है। आई थिंक 90% वही लोग वही प्रॉब्लम है, फोकस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो फोकस के ऊपर ये फिल्म को मतलब लगाया गया है और इसके अंदर वही सीख मिलेगी सीखने के लिए। प्रभु किस चीज में फोकस किया पूरी फिल्म बनाते समय, कोई ऐसी चीज जिसमें आपने बहुत फोकस किया है? नो, बिकॉज इफ इट इज सिंग मींस इट्स पावरफुल एंड एंटरटेनिंग एंड रेस्पेक्टफुल and sensitive also, we have worked hard for that to give correctly. Amy ke liye ek baar zorda taaliyan chahiye. Amy Jackson sir hamare saath mein. Amy, kya khoobsurat nazar aa rahi hain, kya bolna chahengi? It's unbelievable and to see that and to be a part of this team, obviously with Prabhu sir and Akshay, the Rowdy Rathore duo is unbelievable to be a part of. So I'm very fortunate, I've got a great producer and we've had a fantastic time shooting it and that is just spectacular, I didn't know what to expect, so it's wonderful. क्या बात है, फीवर से जा रहा फिल्म के यहाँ पे बहुत सारे लिसनर मौजूद हैं, ऊपर हैं नीचे हैं, एक बार हाय करो जरा जोर से, come on! भाई ये seeing is blink, ये क्या मतलब क्या हुआ exit? चलिए मैं आपको बताता हूँ, blink का मतलब ये नहीं कि वो कोई चमकीले चीजें पहनता है, blink का मतलब है to shine. To shine in people's eyes, to shine in your parents' eyes, to shine in your neighbor's eyes, to shine in your friend's eyes, duniya ki zindagi, duniya ki aankhon ke samne kuch aisa kar dikhao ki aap chamke, aur usi ka matlab hai sing is bling. To is kirdaar ko sing ko liya hai humne aur usko bataya hai ki wo kaise duniya ki aankhon ke samne chamakta hai aur kya karname karta hai, kya cheeze karta hai, and that is the whole film about. अक्षय पूरी तरह से यहाँ मेला लगा हुआ है, आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लोग पूरे मेले को घूमिएगा अच्छे से, खूब खाने पीने की चीज़ भी लस्सी भी यहाँ मौजूद है। इंद्र कुमार जी एक बार जोरदार तालियां चाहिए, प्रवीण भाई मौजूद हैं, अजय जी, आज के पूरा प्रोग्राम वाकई बहुत ही खूबसूरत और ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है, प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। मीडिया वालों के लिए क्वेश्चन ओपन है, आप लोग प्लीज़ जो चाहें वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओह बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ट्रेलर बहुत ही अच्छा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल है, सिंग इज किंग जो मूवी आई थी वो मेरी पर्सनल फेवरेट थी क्योंकि एंटरटेनमेंट के अलावा उसमें एक मैसेज भी था, अपने विरसे तो जुड़ना एक बहुत ही चंगा मैसेज तुसी दस्या, इस मूवी में भी कोई ऐसा कुछ मैसेज है? अगर है तो आप एक लाइन में थोड़ा सा उसे बता सकते हैं? एक्चुअली मैं बता चुका हूँ कि इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है, कीप फोकस, एक काम शुरू करो उसे खत्म करो, कुछ भी हो जाए उसे खत्म करो, तो फोकस जो है इस चीज को रखा हुआ है, मेरे किरदार में फोकस की कमी है और कैसे वो चीज़ को समझता है और आगे बढ़ता है, तो ये चीज़ इसमें, ये सीख इसमें सिखाई जाती है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो मूवी है आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आप ये मूवी दिखा रहे हैं, मतलब उनसे भी क्लियर आउट मतलब दिखाना ही होता है? जी बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ सकते, ऑब्वियसली इसके अंदर वो सारी चीज़ें का ध्यान रखा गया है जो सिंग इज किंग में कहीं मुझसे गलती हुई थी, जिसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इसके अंदर बकायदा हमने साथ में उनके आदमी को रखा है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी भी कौम को, जो हमारी हमारी सिख कम्युनिटी को कोई भी चीज़ की हानि हो। यू आर डायरेक्टिंग अ फिल्म विच हैज़ द रूट्स इन पंजाब, तो सरदारों के किन बातों को आपको प्रभावित किया? I think films doesn't have language and music also doesn't have language, and that's why I told it. Sing is powerful and respectful and sensitive. We have read many things. I mean, as his sir told, we kept one Sardar sir, and he was guiding us also. If we are doing wrong, no sir. If we are doing right, correct sir. And also, while going through the script, we all will be sitting with my script writer, dialogue writer, everybody.
and then work hard and we'll go ahead. And also, one more thing, I don't know whether to tell it or not, when we do, no, nothing, that's it. Sir, सवाल ये है कि पहले तो मुबारकबाद है ब्रदर्स की जो ओपनिंग हुई थी ग्रैंड ओपनिंग उसके लिए आपके लिए आपकी टीम के लिए थैंक यू वेरी मच सवाल ये है कि 16th एक्ट्रेस हैं ये जिनको आप एक तरीके से अपनी फिल्म के साथ भी लॉन्च कर रहे हैं आपने कई नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें इंडस्ट्री हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसी बात की आपत्ति होनी चाहिए they've been given the most beautiful girls and here it is one beautiful example is in front of you and she's talented and I must tell people I mean she is excellent in fights by the way if you can see aapne trailer ke andar chota sa inka namuna dekha she is excellent she's very athletic and she's amazing in fights so wo sab mila ke beautiful she's beautiful she's talented wo sara cheez mila ke humne is film mein Amy Jackson ko hum launch kar rahe hain and that we all happy about that trailer se pehle gana launch karne ka jo master stroke tha uske bare mein bataye ye kaisi well us master stroke ka main sara shrey in dono ko deta hu ashwini yardi and dhaval saab inhone milke aisa plan banaya ki they wanted to do something like this kyunki har film ek trailer se launch hoti hai lekin koi film gaane se launch nahi hoti hai and I think wo gana aaj click ho gaya hai and it all goes to them and punjabi flavor ki ye film hai and south indian director hain to ye kaisa talmel tha zara iske bare mein bataye ji bilkul singh is king jab bani thi to ek musalman ne direct ki thi anees bazmi sahab ne direct ki thi aur yahan prabhu deva sahab jo south indian south india se hain wo direct kar rahe hain mujhe nahi lagta hai ki kisi film ko direct karne ke liye एक रिलीजियस मतलब एक वही रिलीजन आदमी को करना चाहिए या ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पंजाबी को ही ये फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए आई थिंक जैसे सदा जी ने कहा था कि उनकी फेवरेट फिल्म है सिंग इज किंग लेकिन एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी एंड दैट शोज़ कि हम हमारी जितनी भी इतने कौम हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर वी आर ऑल वन टुगेदर एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर तो आई थिंक प्रभु देवा साहब ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है मैंने फिल्म को डबिंग के वक्त देखी है and I'm very very happy with it actually you know when you do hard hitting films like baby or brothers you get all the respect from the audiences and critics but when you do a comic film in a way in india critics look down at the comic films so do you think and I consider comedy as one of the toughest genre because it is difficult to make people laugh so do you think the same that the comedy why don't you become a critic too then that'll be a very helpful thing yes actually the people look down at comedy अबाउट नॉट ओनली दैट हम इसे हमारे कॉमेडी को कई लोग मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं कि मतलब बेस्ट हीरो इन रोमांटिक बट व्हाट अबाउट बेस्ट हीरो इन कॉमेडी व्हाई इज कॉमेडी नॉट सीन एज अ बिगेस्ट जॉनर टुडे इंद्र कुमार साहब इज देयर ही इज मेड सो मेनी कॉमेडी फिल्म्स आई थिंक इट्स वंडरफुल टू मेक कॉमेडी फिल्म्स लोगों को हंसाना आई एम श्योर आपको बताता हूँ लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है रुलाना आप आराम से रुला सकते हो ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरिन डाल के या दो उंगलियां भोंक के अपना रो लो एंड बट हंसाना लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है एंड आई थिंक वन डे विल कम दैट कॉमेडी ऑल्सो विल गेट हिज द ड्यू विच इज रिस्पॉन्स विच इज वेरी मच देयर एंड आई होप All the award nights, law award nights are hearing it that they should consider comedy as one of the best genre. इस फिल्म से आप एक नया शब्द दे रहे हैं सिंहगिरी. वो सिंहगिरी क्या है? सिंहगिरी ये जैसे दादागिरी है, जैसे गांधीगिरी है, वैसे सिंहगिरी एक अपना रुबाब है, एक सिंह का रुबाब है. मतलब एक सिंह के अंदर जैसे हम कई आप में से कई लोग जानते हैं कि जब भी आपको अपनी वाइफ को या बेटी को या बच्ची को किसी टैक्सी में अकेले छोड़ना होता है तो आप 10-12 टैक्सी वाले होंगे लेकिन किसी सरदार जी की टैक्सी देखोगे कहोगे नहीं इस गाड़ी में चली जाओ बिल्कुल तो वो उनकी सिंहगिरी होती है कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी सरदार जी ने किसी मतलब कोई गलत काम किया हो रिस्पेक्ट ना दी हो किसी औरत को आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम
सो वो एक एटीट्यूड जो है सिंगिरी का, दैट इज व्हाट सिंगिरी इज ऑल अबाउट इन दिस फिल्म आल्सो. With this film, after Issa, with this film, you are giving the privilege to the Indian audiences to see you again. Who do you credit? Prabhudeva. I wasn't in Issa actually. that's somebody else. But working with Prabhudeva has been unreal. Obviously, I've worked a lot in South India, and Prabhudeva is nationally recognized as one of the best directors. So to work with him is very, very wonderful. I loved it. But working with this team, but no, Issac, I wasn't a part of. That's another Amy. फिल्म के ट्रेलर में देखा कि हीरोइन फाइटिंग कर रही है और ऊंट आपको किस कर रहा है, तो रफ्तार को हीरोइन मिलती है सिर्फ ऊंट की किसी से? हाँ जी, ऊंट की किस्मत में भी था. सो आई थिंक अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी किस्मत में हूँ या मेरी किस्मत में कौन है. सर ये जो अक्षय सर है बहुत प्रैंक्स करते हैं सेट पे, और इन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पिज्जा वाला प्रैंक भी किया था, तो आप शूटिंग से तक इनके प्रैंक से परेशान होते थे सेट पे? Yeah, yeah. Ashwin is going to answer this paneer wala, or because she only knows the prank. I don't. Ashwin, please boliye. No, it's nothing. He keeps fooling around, and you have a system, sound system, which is connected to all the wireless. So Akshay, in Prabhudeva's accent, ordered a lot of paneer. So Prabhu sir was not even hungry, and a lot of paneer happened there. Everyone ran to get paneer from Prabhu sir, but it was Akshay who ordered. Akshay, please bataiye na kaise bolte the. मुझे भी याद नहीं आ रहा. यू हैव टू इमेट प्रभु सर. प्रोड्यूसर को सब याद रहता भाई. नहीं अभी इतने कर चुका हूं बिकॉज़ मैं पनीर का कॉस्ट रख रही थी. अच्छा, प्रभु सर की आवाज में जो मिमिक्री करते थे आप. तू मजे लेने आए यहाँ? अक्षय अंकल का इतना हेल्प पन्नटा पंजाबी फिल्म पन रंग का कुछ. I think we have joined, no? That itself is a big thing, na? I've enjoyed it. I've enjoyed the film. At the word chollunga konja. Prabhu sir, at the word chollunga paneer illa ya inna. Illa enakku therilla adu pathi. Akshay, hi. In this film you talk about how women should be able to defend themselves. That is something you believe in your life as well, right? So absolutely. I run classes. I run classes for it. The day for yesterday only there was a graduation day. I have finished training about 3,000 to 4,000 girls, and that is I look forward for it. These lines also, there are some lines which I have told them that I mean, say it is very much there ki ladkiyon ko sirf nakhunon pe nail polish rang nahi lagana chahiye, use istemal karo, koi aapko chhede use istemal karo. So I mean, say you have your hands, your legs, use it, answer them back. Trust me, men are very scared of women. Very scared. They actually, मतलब एक किस्म का, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. जब टोरंटो में एक कैनेडा में एक फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हुई थी, एंड दिस इज अ रियल थिंग, क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो सारे पैसेंजर बच गए, एंड वेन दे ओपन द गेट, लिसन टू मी केयरफुली, वेन दे ओपन द गेट, 95% men had peed in their pants. Really, 95% women, men had peed in their pants, and 36% women had peed in their pants. So you can imagine the difference. How scared are we? We are actually very scared of situations. It is always, जब भी हम हमारे problem होती है, हम सबसे पहले याद करते हैं माँ, because we need courage, and that is what you should do. What happens with women is when somebody tries to touch them or attack them, they freeze. They freeze because they don't know what to do, what has happened. They were not ready for the situation like this. Never in their life something has ever happened. So don't freeze, answer back. Trust me, if you only shout, men are going to run away. Thank you, that's a fantastic message. Akshay, but you are known as fearless, and here we see you with a lion, in fact. So tell us, was that, did you like have some bonding time with the lion that we saw? Yeah, just exactly 2 hours. The producer gave me only 2 hours because we are there for only one day to shoot. So yes, I got a little bit time,
and he was kind enough and he actually sat down properly. But beech mein usko gussa bhi aata hai. That video clipping, I don't know, she has it, where he actually, there's a scene ki gaadi mein piche baithe hua hai, wo mere, and he's sitting down and I'm driving the car. Something happened to him, he got angry. I think it was the reflection on the aage ka jo kaanch hota hai, uske andar usne apna reflection dekha. He thought there was another lion. He actually hit the whole thing and just matlab toot gaya sara ka sara. And I to ran away because usse kaun takraega, usse koi nahi takra sakta. So but there was a major bonding between him and the lion. And you've seen Akshay is actually very good with animals. You've seen the camel kiss, which has become very famous now with Tung Tung. So even the lion, he actually got a lick from the lion, though it wasn't a very pleasant experience for him. Oh, that was like a sandpaper. When he licked me, it was like a sandpaper. So don't ever try this at home. Okay. I'm going to use this platform to ask you, do you know about the arrest that happened at midnight at FTII? And do you have anything to say about it? No, ma'am, I'm not going to answer anything like that. I'm just going to talk about Singers Bling, ma'am. Sure, sure. Thank you. Oh, sir, in every movie, a concept for dance. And especially, you put some effects in it and some new steps. So, Akshay, what steps have you done this time? Actually, in this film, four music directors are there and they given the superb songs. And I didn't choreograph any song. All other people. Every song has a unique style. आपका कुछ unique style है जो आपसे natural आपने करवाया हो, तो please मैं चाह रहा हूँ दो second कुछ अच्छे साहब से कुछ करवाओ please. एक कुछ ऐसा step हो जाए please. Sir वो जब गाने का launch होगा ना तब करेंगे sir. अभी फिलहाल trailer का. तो sir आप एक step तो बताओ क्या step है अच्छे साहब के लिए. जी मैं कह तो रहा हूँ आपको, जब गाने के होगा तब मैं आपको बता देंगे, तब आपके पास आके बता देंगे, आपको ऑफिस में बुलाएंगे तब अकेले बैठ के दिखाएंगे सारा. क्या बात है. Well, she's writing it, you read it, then we can talk about it, because at the moment I don't want to say anything and I don't want to spoil the fun of what she's writing. And it's just a person's point of view, so there's nothing like any. At the moment, I'm not going to give my point of view. Nothing, वो मेरे से गलती हो गई. I calculated it wrong and the whole ring, fire ring fell on me. But I was lucky enough to escape, and that's it. Sir, we have not finalized it, sir. Sir, we have not finalized it, sir. हाँ प्रभु, आपने कोरियोग्राफ नहीं? No, normally in my films others only choreograph. Direction कर रहे हैं भाई अभी क्या? No, 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 they are better than me, other choreographers. Thank you guys, बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you very much, everybody. Thank you. Singers Bling. आप लोगों के लिए बाहर बढ़िया लस्सी तैयार है, इस मेले का आनंद लीजिए. Thank you guys, बहुत-बहुत शुक्रिया. Fever 104 FM के जितने भी listeners हैं, please check. आप प्लीज अपने स्थान पर बैठिए. Thank you guys. Thank you. सबने ट्रेलर देखा अभी सिंगिस ब्लिंग जी, कैसे लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा. बढ़िया. लोगों का क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? जिन लोगों ने देखा है, काम करते हुए, उन सबका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है. हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को भी पसंद आएगा. जैसे आपने देखा, हम लोग ने गाना पहले छोड़ा है और उसके बाद ट्रेलर छोड़ा है, तो अभी इस बार ही हम लोग ने ट्राई किया है कि कुछ नया करें. और स्पेशली जो टीम है पूरी, उनका आइडिया था, अश्विनी का, मेनली अश्विनी से आइडिया आया था, जो प्रोड्यूसर भी है साथ में हमारे इसमें. और काफ़ी कुछ यूनिक कर रहे हैं, जैसे आपने बाहर देखा कि पूरा मेला टाइप का माहौल बनाया था, तो काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं कि जो नया नयापन ला सके. और फिल्म में इन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें करी है, जैसे लाइन वाला है और वैसे काफ़ी सीन्स है, तो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट, जो बेस्ट हो सके, जो अभी तक नहीं देखा और वो दिखाएं. अच्छा, पैन मूवीज़ का फिल्मों के वक्त जो फिल्म जब आ रही है, तो अलग अलग फिल्मों पे उनका काम भी चल रहा है जी, तो किस तरह से पूरा जो सिलसिला है ये शुरुआत हो चुका है?
हम लोग पहले ट्रेडिंग में बहुत थे, हम लोग प्रोडक्शन कम करते थे, लेकिन अभी हम लोग ने प्रोडक्शन भी काफ़ी शुरू कर दिया है। अभी 3 फिल्म अंडर प्रोडक्शन है, मतलब स्क्रिप्टिंग चालू है, एक अभी नवंबर में फ्लोर पे जाएगी। जो नवंबर में फ्लोर पे जा रही है वो भट्ट साहब ने कहानी लिखी है, महेश भट्ट साहब ने, और डायरेक्ट कर रहे हैं गुरुदेव भल्ला, तो वो एक फ़िल्म है। और उसके अलावा और 2-3 फिल्में हैं, लेकिन अभी तक मैं उसकी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता। तो काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी हम लोग ने ट्रेडिंग भी अभी भी कर ही रहे हैं, तो साल की 1-2 पिक्चरें हम लोग रिलीज़ कर ही देते हैं। तो कौन सी जॉनर पे एज एन प्रोड्यूसर अगर आपको पूछे तो कौन सा ज़्यादा अच्छा अगर आपको? हम लोग मानते हैं कि कंटेंट बेस्ट होता है, फिर उसमें कौन सा भी जॉनर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक फिल्म अच्छी बन रही है और कंटेंट अच्छा है तो वी आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आपने देखा हो तो हमारी पहली फिल्म थी कहानी, जो हमने इन हाउस प्रोड्यूस की थी, तो वो एक आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क था जो हमने लिया, और वो रिस्क सफल हुआ तो हमारे में और हिम्मत और कॉन्फिडेंस आ गई कि और रिस्क लेते हैं। और पेन मूवीज की अगर बात करें तो उनका जो कंटेंट होता है इसके मामले में काफ़ी सिमिलर है, ऐसे कह सकते हैं ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, बॉक्स ऑफिस लग रहा है, तो हो सकता है। तो इसके अलावा और क्या क्या प्लान चल रहे हैं इसके, किस तरह से आगे क्या क्या चल रहा है? अभी 3-4 फिल्में हैं जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके अलावा और 1-2 पिक्चरों की बात चल रही है जो हम टेक ओवर करेंगे। तो काफ़ी काम चल रहा है, यू विल होपफुली सी अराउंड 3 रिलीजेज नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फ्रॉम अस। तो एनी प्लान्स अबाउट यू टू डायरेक्ट अ फिल्म और एक्ट इन समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ प्लान्स हैं? नहीं, नथिंग एज येट। मैंने अभी हाल ही में टेक ओवर किया है, इससे पहले मेरे पापा चेयर पे थे, तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, पहले मैं पैर जमा लूँ, उसके बाद ही ये मेरे आने के बाद मेरी पहली बड़ी पिक्चर है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो कैसे लग रहा है आपको, जम रहा है काम जो अभी आपने शुरुआत की, आपने कहा कि? जी, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने सब शुरुआत की थी प्रभुदेवा और बोनी कपूर के साथ वांटेड में, वहाँ से हम लोग साथ में जुड़े थे, और उसके बाद प्रभु जी ने यह फिल्म हमारे लिए डायरेक्ट करी। सो काम तो कर ही रहे हैं, बट अभी लाइमलाइट में थोड़ा फेस बन गए। बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा, जैसे आपने प्रोमो और ट्रेलर में आप देख चुके हैं, लायन है, कैमल का केस है, सब यूनिक आइडियाज़ है, छोटे छोटे मोमेंट्स है, सो वेट फॉर इट। और अक्षय की ऐसी पिक्चरें इस साल कुछ आई नहीं है, सब हार्ड हिटिंग और हैवी फिल्म्स थी, तो दिस इज़ अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली एन नंबर ऑफ टाइम्स। थैंक यू।
हाय, मेरा नाम अर्फी लांबा है. मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और आई एम एन इंजीनियर. आई यूज़ टू वर्क एज एन इंजीनियर इन दिल्ली टिल द टाइम एक्टिंग बग बिट मी. और बोलते हैं कि एक बार आपको एक्टिंग का कीड़ा काट जाए तो कोई इलाज नहीं होता. मैं उसका सबूत जीता जागता. आई क्विट एवरीथिंग, केम टू बॉम्बे एंड जर्नी हैज़ बीन वेरी प्रेजेंट सो फार. और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ. टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड जर्नी, हाउ डिड दिस स्टार्ट? आपने बोला कि आप इंजीनियर थे और उसके बाद ये बॉलीवुड में किस तरह से करंट लिया? देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि वो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे, वो शुरू से स्टेज पे जाके डांस करते थे, लोगों के सामने परफॉर्म करते थे. बट आई वॉज अ वेरी शाई किड. आई कम फ्रॉम अ वेरी ओवर प्रोटेक्टेड फैमिली. तो कभी ऐसी वाली बात नहीं थी कि चार लोग हैं तो मैं जाके डांस करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा. मैं बहुत पीछे रहता था. इवन ड्यूरिंग माई टाइम इन माई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई स्टार्टेड ओपनिंग देयर, बट सिर्फ भी मैं बैक स्टेज काम करता था. इट्स ओनली व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड माई गर्लफ्रेंड इन दिल्ली वॉज अ मॉडल एंड तो मैंने मतलब आई अलॉन्ग विद हर आई बॉडी तो मैं भी बना ही रहा था दिल्ली जाके. वैसे ही कहीं ना कहीं तो शौक था, एक्टर बनना चाहता था, पर कभी अपने आप से भी एडमिट नहीं कर सकता था. मुझे लगता था कि एक्टर शायद बॉम्बे में पैदा होते हैं, कहीं वहीं स्टारडस्ट में बड़े होते हैं. इट्स अ डिफरेंट गेम. मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, एक गाँव में पैदा हुआ था. एजुकेशन के लिए मोगा आए, मोगा से फिर इंजीनियरिंग की. तो दिल्ली में जब उसके कारण मुझे एक और दो मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिल गए, पीपल वुड स्पॉट मी एंड से अरे कैलेंडर शूट करते हैं, ये करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे सडनली जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ. सो ऑफकोर्स आई हैड अ ब्रेकअप एंड उसके बाद मुझे दिल्ली से नफरत होने लगी. मैं दिल्ली में रह नहीं पाया. एंड वन फाइन डे आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू बी एन एक्टर. द अदर रीजंस वर डिफरेंट एंड यू नो आई पैक माय बैग्स एंड केम टू बॉम्बे. मैं जब बॉम्बे आया मुझे भी नहीं पता था कि बांद्रा बॉम्बे है. जब ट्रेन बांद्रा रुकी तो मैं सो रहा था, उठा तो मैं बोला अरे मुझे तो बॉम्बे जाना था, बॉम्बे शायद कहीं छूट गया होगा पीछे. आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रेन स्टेशन दैट वॉज नेम बॉम्बे. एज लक वुड हैड इट, मेरे कंपनी का गेस्ट हाउस गोरेगांव ईस्ट में था. मैंने गोरेगांव ईस्ट से मतलब चार दिन रहने के बाद जो पहला फ्लैट मुझे मिला लोखंडवाला में मिला. आई वॉज इन सैब इन अंधेरी एंड आई एम इन लव विद अंधेरी दिस प्लेस. लकीली एक्टिंग वैक्टिंग और स्टूडियोज और सब कुछ वहीं पे थे तो बहुत हेल्प मिली करियर को. सम डिवाइन फोर्स वॉज ऑलवेज हेल्पिंग मी. बिना कुछ जाने बिना कुछ पहचाने मैं सीधा लोखंडवाला पहुँच गया और वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की. तो आई'ड से एक डिज़ायर अंदर से जो दबी दबी थी एक दिन निकल के आई और मैं बॉम्बे आ गया. उसके बाद किस तरह से शुरुआत हुई बॉलीवुड में? यू स्टार्ट इन स्लमडॉग मिलियनेयर, राइट? या इट वॉज अ स्ट्रोक ऑफ लक. इट वॉज जस्ट अ प्लेन स्ट्रोक ऑफ लक. मैं आया था बॉम्बे सोच के मैं पार्टीज करता था. आई हैड वर्क फॉर गुड टू एंड हाफ ईयर्स बिफोर. कुछ मेरी अर्निंग्स थी, कुछ सेविंग्स थी. तो मैं सोचता था कि मतलब मुझे यश चोपड़ा जी कहीं पे स्पॉट करेंगे और मुझे लॉन्च कर देंगे. मैं इसी उम्मीद में बहुत सी फिल्मी पार्टीज में घूमने लग गया और वर्क रूटीन बहुत अलग था. उठते ही 2 बजे थे, 2 बजे उठ के लंच करके फ्रेंड्स के साथ घूमना और पार्टी में चले जाना. सो वन फाइन डे ऐसी कुछ मॉडलिंग की अपनी पिक्चर्स लेके घूमता था मैं. तो टिप्स से एक म्यूजिक वीडियो की बात चल रही थी जिसके लिए उन्होंने मुझे फाइनली कॉल किया कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक म्यूजिक वीडियो है, मे बी यू कैन स्टार इन, ताकि ऑडिशन दे दो. मोर लेस बात पक्की वाली थी. और मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया. आई यूज टू हैव अ बाइक हियर एंड आई ब्रोक माय रिस्ट एंड दैट वाज ऑलमोस्ट ईयर इन टू बॉम्बे. 2008 का मिड आ चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या. एंड देन मेरे एक्सीडेंट ठीक हुआ तो आई स्टार्ट टेलिंग माई फ्रेंड्स यार मैं कुछ भी काम करूँगा, बहुत हो गया एटीट्यूड. दैट वॉज अ टाइम, वो एक्सीडेंट का जो एक महीना था, स्टार्टेड रीथिंकिंग माई लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ. शायद ये तरीका ही नहीं है. मुझे पता नहीं था एक्टर कैसे बनते हैं. तो मैं थिएटर स्टार्ट करना शुरू किया दिनेश ठाकुर जी के साथ. उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखानी शुरू की. वहीं से मेरे करियर की शुरुआत हुई और मुझे पता चला कि एक इंग्लिश फिल्म के ऑडिशन हो रहे हैं. मैं देने चला गया. मतलब बहुत छोटा सा रोल है. तो उस ईयर ब्लड डायमंड रिलीज हुई थी जिसमें गौरव चोपड़ा जी ने छोटा सा रोल किया था जो बहुत अच्छा पार्ट था, एक लियोनार्डो डीकैप्रियो के साथ किया था. बट प्रेस स्लैम्ड हिम. मैं डर गया. मैं थिएटर में लीड रोल्स कर रहा था एक दो प्लेस में और दिनेश जी के साथ सीख रहा था. तो मुझे लगा कि मेरा करियर भी, जबकि मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा था. बट आपको एक फियर रहता है, वो फियर मुझे बहुत रोक रहा था. तो मैं जब लवलीन टंडन जी से मिला और मैंने रोल के लिए पहले हाँ कर दी एक ही लाइन थी, फिर बाहर आके नीचे आते आते मैंने स्टेज पर उनको वापस कॉल किया. मैं बोला मैं नहीं कर पाऊंगा. बोला क्यों नहीं, मुझे बहुत छोटा रोल है, नहीं करना है. तो लवलीन ने मुझे बोला अरे यार ये फिल्म तो DVD पर रिलीज होगी, क्यों डरते हो? तो आई वॉज एक्सपोज टू इंटरनेशनल सिनेमा नहीं हो. तो मैं बोला अरे डैनी बॉयल की फिल्म है तो उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई हुई है एक तो पहले, तो मुझे उनसे मिलवा दीजिए. ट्रेन स्पॉटिंग वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स एट दैट टाइम. सो लवलीन कॉल्ड मी टू स्वीट इन सन एंड सैंड एंड आई लिटरली मेट डैनी बॉयल. उनसे 5 मिनट चाय पे बात हुई एंड देन ही सेड ओके से योर लाइंस एंड आई फॉरगॉट माय लाइंस. सो ओह यू विल डू इट, इट्स फाइन. एंड दिस इज हाउ आई एंडेड अप डूइंग स्लमडॉग मिलियनेयर. एक ही मिनट का छोटा सा पार्ट है बट दैट पार्ट एक्चुअली देर वॉज टाइम एंड डैनी वॉज ट्राइंग टू लुक एट द सीन और कुछ फिट नहीं हो रहा था. मैं बाहर जाके स्मोक कर रहे थे. मैं बाहर गया, अपनी सीट से उठा एंड आई वॉज स्केयर्ड कि शायद बार बार कट हो रहा है, मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं और देव फ्रेम में है. सो आई गो एंड आई मेट माय सेल्फ, सर इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई एम नॉट डूइंग राइट टेल मी. आई वाज स्मोकिंग एंड ओह नो नो ओ यू हाउ आर यू, आई एम फाइन सर, ओके नो नो इट्स ऑल फाइन, गो गो नो ट्रबल. मैं वापस आके बैठ गया
and then somehow he liked my reaction and he said that, told his cameraman that let's go on him. And I have just 20 seconds in Slumdog Millionaire where I just, the camera zooms onto me. And when I saw myself on screen, that changed the whole thing, you know, the feeling inside changed. You see yourself there where you've seen everybody probably who's been your idol, and yeah, from there on the feelings were different, you know. Slumdog Millionaire kickstarted the career for me. I ended up being in Cannes, and the same year I opened a production company, Prague. Hui uske baad maine Prague film ki, aur journey started from there. Recently humne aapko ek aur film mein dekha, Fagli mein, which was made by Akshay Kumar. Yeah. So production. How did this came? Actually, मैं फगली में मैं बहुत लेट एंटर किया. मेरे से पहले 7-8 नाम ये लोग कंसिडर कर रहे थे और आई थिंक वन ऑफ द पीपल वर आल्सो साइंड ऑन, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट. व्हेन आई स्टेप्ड इनटू फगली, एवरीबॉडी हैड मेट अक्षय सर बाय दैट टाइम एंड आई नॉट मेट हिम. सो मैं अश्विनी जी को जानता हूँ, मैम हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट इन माई करियर. सो वैन वी वेंट टू ले एंड वी डिड अ फर्स्ट सीन, दैट वॉज अ कॉमेडी पार्ट वेयर मैं और विजेंदर सामान उठा रहे रख रहे हैं. वी आर सेटिंग अप द टेंट फॉर मोहित, हु इज सेटिंग अप अ हॉलीडे रिजॉर्ट देयर फॉर पीपल हु ट्रैवल टू ले. तो मेरा शॉट देखने के बाद, हम ले में थे, हम दो दिन एक्लाइमेटाइज करने के बाद, एक बहुत हैवी वाला शॉट था भागने वाला, सांस चढ़ी हुई थी. वी सैट डाउन, मैं आके बैठा तो लकीली मैं जहाँ बैठा मैडम थोड़ा पास ही बैठी थी. एंड अश्विनी मैम टोल्ड मी यू डन अ वेरी गुड शॉट, यू नो, लाइक शी लाइक इट्स अ गुड शॉट, यू डिड अ गुड जॉब, यू फील रियली वेरी हैप्पी दैट यू नो योर प्रोड्यूसर इज लाइकिंग योर जॉब. एंड उसके बाद एक शॉट में मुझे कार ड्राइव करनी थी और बहुत ही संकरा सा रास्ता था, इट वॉज वेरी नैरो एरिया एंड आई रिफ्यूज टू डू इट बिकॉज क्यारा वाज़ सपोज्ड टू बी स्टैंडिंग. मुझे लगा यार कुछ भी गड़बड़ हो गया, आई नेवर ड्रिवन इन हिल्स, आई डोंट नॉट टेक दट रिस्क. एंड दे टुक अ बॉडी डबल टू डू दैट सीन फॉर मी. इन दैट टाइम आई वाज सिटिंग विद मैम एंड दैट्स व्हेन शी टोल्ड मी दैट देयर इज अनदर प्रोजेक्ट, कॉमेडी अच्छी करते हो यू नो. एंड टिल देन प्राग को 2 साल हो चुके थे और प्राग रिलीज नहीं हुई थी और मैं फगली की शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ पे मैम शी ऑफर्ड मी अनदर जॉब, वॉज वन ऑफ द लकीस्ट डेज फॉर मी. बट वो प्रोजेक्ट का जो भी होना था या नहीं होना तो बात की बात है. बट देन वी केम टू दिल्ली और दिल्ली स्केड में आई स्टार्टेड टेलिंग हर दैट मुझे बॉलीवुड में कोई मैनेज नहीं करेगा, प्लीज़ मैनेज मी, आप मतलब स्टार्ट अ टैलेंट मैनेजमेंट विंग. शी ऑलरेडी हैड प्लान्स फॉर समथिंग लाइक दिस दैट आई न्यू, सो आई स्टार्टेड टेलिंग हर दैट यू नो आई बी मोस्ट कंफर्टेबल इन ग्रेजिंग गोट. एंड लकीली आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टैलेंट्स टू बी साइंड, मैं और एक दो लोग और साइन हुए. ग्रेजिंग गोट इज मैनेजिंग मी राइट नाउ. आई थिंक अश्विनी आडी नॉट जस्ट स्पॉटेड द टैलेंट इन मी बट शी ऑल्सो फेल्ट दैट यू नो दैट आई नीडेड सपोर्ट. सो ग्रेजिंग गोट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द करियर ऑफ 4 ऑफ अस एज न्यू कमर्स. And I'm very grateful for that. और अगली के बाद, now we are going to see you in Singh Is Playing, a full-fledged movie with Akshay Kumar in it. So how was the experience working on it? I still can't believe that I did a movie with sir. I got directed by Prabhudeva sir. It's like a dream. हमने Singh Is Playing 3 April को शुरू की थी and we are releasing the movie on 2 October. So that's like fastest I've seen any team work on a film. और जब मुझे ऑफर हुई थी, जब मैं हमने बोला कि चलो Singh Is Playing करते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था. सो आई डिडंट टेल पीपल फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम टिल द टाइम वी वेंट इन अप्रैल टू स्टार्ट शूटिंग. आई वाज प्रीटी क्वाइट अबाउट इट यू नो कि मैं Singh Is Playing कर रहा हूँ. एंड आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस जब आप अक्षय सर के साथ काम करते हैं. इफ यू आर लकी इनफ टू वर्क विद हिम यू विल रियलाइज दैट ही इज नॉट दैट स्टार. ऑफकोर्स ही इज द बिगेस्ट स्टार बट ऑन सेट ही इज लाइक वेरी अप्रोचेबल एंड यू नो ही इज लाइक अ को एक्टर हु हेल्प्स यू आउट इन सीन्स, हू ट्राइज टू यू नो मेक श्योर दैट यू कैन यू आर कंफर्टेबल एंड यू डू वेल. सो आई फील वेरी लकी कि मैंने अक्षय सर के साथ काम किया. ही इज बीन माई आई ऑलवेज लुक अप टू हिम. पंजाब से आने के बाद हमारे पंजाब में तो 2-4 चीज़ें ही फेमस हैं. अक्षय सर उनमें से एक हैं, धर्मपा जी हैं, अक्षय सर हैं. सो इन सो अर्ली इन माई लाइफ आई गेट टू वर्क विद हिम, आई फील लकी. प्रभुदेवा सर डायरेक्ट करें मूवी, योर थर्ड फिल्म एंड यू नो यू आर अ प्रभुदेवा एक्टर, दैट्स अ बिग थिंग. मैं Singh Is Playing में अक्षय सर का फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ. So I am this goofy guy, but the whole thing is that the best part is that you play a guy who's very loyal to his friends. So I'm not just like hum dosti nahi, hum jigri dosti nahi, but I'm very loyal to Raftar. So this is very close. This one trait is very close to my heart. I'm very loyal to my friends. I believe in loyalty as one of the biggest traits of your life. So could easily slip into the part. That was the best part. But zyada main reveal karunga to plot khul jayega. But aap film dekhiye, aapko pata chalega. जी बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी बात तो ये सीखी कि आप उस लेवल पे जाके भी अगर आप अक्षय सर को काम करते देखते हैं, हिज लेवल ऑफ फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, हिज डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट इज सो मच दैट ही इंस्टेंटली बिकम्स एन इंस्पिरेशन टू यू. ऐसा नहीं है कि सेट पे आए और अपना, ऑफकोर्स इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू डू कॉमेडी. ही जो मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर है, ही इज सो कम्फर्टेबल इन दैट. बट फिर भी यू नो
he gives that focus, that respect to his work. That's what I learned. And बहुत बार पेपर में पढ़ते थे कि अपने स्टंट खुद करते हैं. I've seen with my own eyes that, sorry, everything that he has to do. आगे आके बोलते हैं मैं करूँगा. और एक बार दो बार किसी को देख के ऑब्जर्व करके सर जस्ट डज दैट. वो जो फायर रिंग वाला है, आई सॉ हिम ऑन द स्पॉट ऑन सेट. सर ने दो बार लोगों को जंप करते देखा. थर्ड टाइम ही सेड नो आई डोंट नीड एनी मोर डेमो एंड ही जस्ट जंप्ड आउट ऑफ द रिंग कपल ऑफ टाइम्स. सो इट्स अमेजिंग टू सी हिज फिटनेस लेवल्स, इट्स अमेजिंग टू सी हिज डेडिकेशन, इट्स अमेजिंग टू सी हाउ हम्बल ही इज. आई इफ आई कुड इवन अचीव 10% ऑफ दैट इन माय लाइफ आई विल बी वेरी सक्सेसफुल, आई विल बी वेरी हैप्पी. टॉकिंग अबाउट द स्टंट्स, हमने देखा कि ट्रेलर में एक शेर है, उनके साथ भी उनका एक अच्छा सीक्वेंस है. मैंने देखा नहीं, बट आई सीन वीडियोज एक्चुअली. ही इज, दिस इज नो ग्रीन स्क्रीन, दिस इज नो स्पेशल इफेक्ट्स. ही इज एक्चुअली बीइंग विद अ लायन एंड ही कुड एक्चुअली. बट ये सिर्फ यही नहीं, आई थिंक ही गेट्स अलोंग विद एनिमल्स वेरी वेल. तो अगर ये तो एक दीज एनिमल्स आर बेबी टेम्ड एंड दैट्स व्हाई ही वाज विद देम. बट इवन इफ नोइंग हिम, इफ ही मीट्स अ रियल लायन इन जंगल, आई कैन टेल यू ही कैन टेम हिम. अक्षय सर वैसे नहीं है. वो होता ना कि अगर जंगल में शेर मिल गया तो आप क्या करेंगे, तो मतलब शेर तो हम जवाब होता है जनरली हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा. इन हिज केस आई कैन टेल यू जो करेंगे ये करेंगे. शेर भी वहाँ बैठ के अपनी पूछ ला रहा होगा इनके आगे. आपको क्या रिस्पांस मिला फ्रॉम द टीम, फ्रॉम अक्षय? एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? नो, आई हैड अ वेरी वेरी गुड इक्वेशन. मैं सर के साथ जब सीन करता था, एक दो बार मुझे सीन करने में एक सीन था जिसमें मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी. मैं प्रभु सर उसको रिहर्स कर रहे थे और मैं एक्शन नहीं कर पा रहा था जैसे प्रभु सर चाह रहे थे. तो अक्षय सर ने बोला कि नहीं चलो मेरे साथ एक बार रिहर्सल करो. और दो बार सर के साथ रिहर्सल की, आई गॉट दैट एक्शन यू नो. एंड प्रभु सर वाज वेरी हैप्पी विद द टेक. सो देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि अच्छा मैं कुछ कर रहा होता हूँ, हम एक सीन कर रहे हैं, तो चुपचाप मेरे काम में आके मुझे टिप दे देते थे कि यार अच्छा फिर इसको ऐसा करके देख. एंड दैट वुड वर्क वेरी वेल. सो ही इज एन अमेजिंग को एक्टर एंड यू वुड ऑलवेज सी देयर इज एन एल्डर ब्रदर ऑन द सेट. देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि अरे यार मतलब क्या हो गया. वो आते थे तो सेट की एनर्जी एक हैप्पी एनर्जी में चेंज हो जाती थी. So I'm taking a lot back from this film with me. So what's next after Singh is Bling? Fingers crossed, thumbs pressed, a lot is in talks. I personally believe that Singh is Bling will be my lucky charm. Coming from Punjab, I'm a Sardar also. So seems like the right title for the film for me, for sir. So I'm working with him. Prabhu Deva sir ne direct kiya hai. I've grown as an actor, I've grown as a performer. And I'm hoping Singh is Bling will be that multi-crore business doing film, you know. Our business would be in three figures only, in crores. So let's see what comes next. Akshay Kumar ke saath apne kaam kiya, but who's the other actor or actress whom you admire the most in Bollywood? Bahut hai. Actually zyada kaam karna chahiye. I can give up anything to be born in an era where there was Madhubala. I would love to work with him. She's every time I just, if there has been a strong performer, she's one of them, you know. You just look at her on screen and you just mesmerized. और प्रेजेंट टाइम में दे स्टिल टाइम, यू नो, आई वुड हैव लव टू वर्क विद वहीदा रहमान. इवन नाउ इफ आई गेट अ चांस टू वर्क विद हर, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू. पंकज साहब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ. बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इट विल बी अ, दीज थिंग्स आर द कल्मिनेशन, यू नो. मैं अक्षय सर के साथ काम किया, सो मेरी बकेट लिस्ट में से एक चीज़ टिक हो गई. प्रभु सर ने मुझे डायरेक्ट किया, एक चीज़ और टिक हो गई. अभी आई लव टू वर्क विद शाह सर, आई लव टू वर्क विद, इफ यू ask me for the name of list of directors, it's endless. There are so many wonderful people making wonderful cinema, you know. So everyone, all of those who have inspired me, touched my life with their movies, with their acting, I would love to work with all of them. Ek actress ka naam nahi liya apne is daur ki jo hai. Main Kareena Kapoor ke saath kaam karke bahut khush hoonga. She's a dream. Like she's, I'm a fan. So yeah. Anything else you want to share with us? सिंग इज बिंग रिलीज ऑन 2 अक्टूबर. फिल्म देखने जरूर जाइए. हम लोग इट्स वन ऑफ दोज रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन, रोमांस एंड ड्रामा. और हम लोग आपको, आई अश्योर यू, यू विल गो इनसाइड एंड यू विल कम बैक सो मच एंटरटेन दैट यू विल गो अगेन एंड अगेन टू सी दिस फिल्म. इट्स वन ऑफ द फिल्म्स विच विल हैव एन अमेजिंग रिपीट वैल्यू एंड अमेजिंग एंटरटेनमेंट वैल्यू. सो सी यू ऑन 2 अक्टूबर. घूमते फिरते कहीं ना कहीं तो मिलेंगे हम लोग, क्राउन लगाएंगे, मिलेंगे आपको वहाँ जरूर. चलिए, परफेक्ट. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
that you have been written more than a film. जैसे सोचा था वैसा तो मूवी नहीं लगा।
सिंग इज किंग, सिंग इज ब्लिंग, सिंग इज किंग बहुत अच्छी थी, सिंग इज ब्लिंग थोड़ी कम है। पूरी फिल्म में हीरोइन का ही काम ज़्यादा है, एक्शन हो या कॉमेडी हो कुछ भी हीरोइन सामने खड़ी है, और एक्शन भी हीरोइन ने बहुत ही अच्छा किया, अक्षय मेरे तरफ पीछे छोड़ दिया उसने। बहुत बढ़िया पिक्चर है, एकदम वंडरफुल पिक्चर, अक्षय ने कमाल कर दिया। अक्षय ने अच्छा काम किया, अक्षय ने एकदम बढ़िया काम किया, पिक्चर फर्स्ट क्लास है। हैं अच्छा काम है, पिक्चर फर्स्ट क्लास है, कोई कमी नहीं है पिक्चर में। पिक्चर उतनी राउडी राठौर जितनी पावरफुल पिक्चर नहीं है, लेकिन अच्छी पिक्चर है। अक्षय कुमार ने अच्छा काम किया, एमी जैक्सन ने बहुत अच्छा काम किया, इनके एक्शन भी बहुत अच्छा है और डायलॉग भी अच्छा है, सिंह जब पैर रखता है उल्टा का उसके वजह से। तो ओवरऑल पिक्चर टाइम पास है, नॉट अ ग्रेट मूवी बट पीपल कैन वॉच इट, नॉट बैड। अगर अक्षय कुमार इस मूवी में नहीं होते, कोई और हीरो होता तो शायद ये फिल्म नहीं चलती थी, लेकिन अक्षय कुमार ने फिल्म में जान डाल दिए और उनका किरदार बहुत फिट है, तो पिक्चर सुपर हिट है, वेरी गुड मूवी। अक्षय कुमार का काम बेहतर है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, सुपर हिट, सुपर अच्छी है, बहुत अच्छी।